इंडिया मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी जितने भी अकलीत हैं यहाँ पे आवाज़ हैं, अपना अपना जो उनके साथ जातियाँ होती हैं वो आज अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बहुत सारे मकाम पर मौजूद हैं। आइए हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर हमारा सवाल आपसे ये है कि आज आपका क्रिश्चियन कम्युनिटी का यहाँ जमा होना इसका मकसद क्या था? जनाब आज है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन होते हुए मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है और आज जो हम आपने पूछा कि हम जमा क्यों हुए हैं, मैं ये सवाल पूछने के लिए जमा हुआ हूँ कि क्या ह्यूमन राइट्स डे मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तानी मसीही होते हुए ह्यूमन राइट्स कोई मेरे लिए भी हैं। मुझे नहीं लग रहा ह्यूमन राइट्स जैसी चीज़ इस मुल्क के अंदर कुछ मेरे लिए भी है, क्योंकि मुझे तो जो रियासत बताती है वो ये है कि जनाब आपके घर के अंदर किसी भी वक्त कोई घुस सकता है, आपकी क्रॉस को तोड़ सकता है, आपकी बाइबल को जला सकता है, आपके घर को जला सकता है, आपकी जो मर्जी बेहरमती हो वो आपके साथ कर सकता है और आपके लिए किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं है। जो जलाओ गराओ करेगा उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आज ही आज दिसंबर के अंदर महीने के अंदर हम मौजूद हैं, अगस्त के महीने के अंदर कुछ चार महीने पहले जड़ावाला के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, आज तक हम उसके लिए इंसाफ के तलबगार हैं, इंसाफ हमें अभी तक नहीं मिला। तो ऐसे जब हमें इंसाफ ही इस मुल्क के अंदर हमारे लिए नहीं है, ह्यूमन राइट्स डे हम किस लिहाज से सेलिब्रेट करें, मेरा सवाल ये है हुकूमत पाकिस्तान में। दूसरी बात ये कि दिसंबर के महीने के अंदर जैसा पूरी दुनिया जानती है कि ये क्रिश्चियंस के लिए एक बड़ा अहम महीना है, हम इसमें क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस वो मौका है जिसके अंदर हम आज़ादी, जिसके अंदर हम सिन से बॉन्डेजेस को तोड़ने की एक पैगाम देते हैं। मेरे ख्याल में तो यहाँ पर अभी तक भी बर्बरियत के जो बॉन्डेजेस हैं उससे हमें आज़ादी नहीं मिल पा रही। तो मुझे हुकूमत पाकिस्तान ये बताए कि पाकिस्तानी मसीही होने के नाते मैं ह्यूमन राइट्स डे कैसे सेलिब्रेट करूँ, मैं अपना क्रिसमस का डे कैसे सेलिब्रेट करूँ जब मेरे लिए इंसाफ ही यहाँ पर नहीं है। मुझे क्या पता कि कल को क्रिसमस डे के ऊपर भी कोई मेरे चर्च में घुस के जलाओ गिराओ कर दे, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान कहेगा कि जनाब कोई बात नहीं, सॉरी, आएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, मजे लेंगे और चले जाएंगे। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स इस मुल्क के अंदर हर इंसान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं उसका सबसे बड़ा जो मुहाफिज है वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जड़ावाला के इंसिडेंट के बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से एक पिटीशन दायर की हुई है जिसको 3 माह हो चुके हैं दायर किए हुए, उसकी सुनवाई किया, उस पर तो आज तक नंबर भी अलॉट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट भी क्या हम मसीहियों को ये बता रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट बाकी सारे शहरियों का सुप्रीम कोर्ट है, बाकी सबकी पिटिशनें सुनेगा, बाकी सबके लिए इंसाफ फराहम करेगा, लेकिन मसीहियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद हैं। तो ये रियासत मुझे बताए कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे जहाँ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे मुझ क्रिश्चियन मसीही के लिए बंद हैं, जहाँ क्रिसमस के डे के ऊपर मैं अभी तक अपने आंसू नहीं पहुँच पाया जो जड़ावाला के इंसिडेंट के बाद से जो दर्द हमें फील हो रहा है, आज तक हमें परम पट्टी नहीं की गई, आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला, तो मैं इस मुल्क में रहते हुए एक मसीही होने के नाते मुझे रियासत जवाब दे कि मैं ह्यूमन राइट्स डे कैसे सेलिब्रेट करूँ, मैं क्रिसमस के लिए कैसे सेलिब्रेट करूँ। सर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप मसीहियों को क्रिश्चियंस को इंसाफ नहीं फराहम कर पाता तो क्या आप कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपनी अपील कर सकते हैं क्या? देखिए जी वेरी स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग ये जो इंसिडेंट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसकी कुछ बाउंड्रीज हैं, ये एक आपका नेशनल मैटर है, नेशनल अदालतें इसको देखेंगी, यहाँ का कानून इस पर लागू होगा, जिनको सजाएं देनी है आपकी मुकामी जो अदालतें हैं, आपका जो आप मुकामी जो आपकी जुडिशरी है वो उसका कानून इस पर अप्लाई होता है। लेकिन हाँ ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि एक जियो पॉलिटिक्स भी कोई बात है, एक इंटरनेशनल सतह भी कोई सतह है, तो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं और हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी बात करते हैं कि जनाब आप क्यों नहीं मजलूम की आवाज़ बनते, आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते पाकिस्तानी मसीहियों के लिए कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर हमें बराबर का शहरी नहीं समझा जाता तो हम अपने आप को पाकिस्तानी किस दिल से कहें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.